गैस, काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर मॉडरेट आ रहा है और क्वांट बहुत बहुत टफ है। तो देखो गैस, अभी तो ये केवल एक शिफ्ट की शुरुआत हुई है, अभी कितनी सारी शिफ्ट आनी बाकी हैं और मल्टीपल अलग अलग वेरिएंट में एग्जामिनेशन होता है। तो कुछ चीज़ें जैसे क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज पूछ लिया गया, तो हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में हमें डेटा सफिशेंसी देखने को मिल जाए, Q1 Q2 मिल जाए। ये IBPS PO का एग्ज़ाम है, चेंजेस होंगे आने वाली शिफ्ट में भी, तो तैयार रहो। और ये मत सोचो कि पेपर मॉडरेट आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है। पेपर में आपने अगर अच्छे खासे क्वेश्चंस की तैयारी कर रखी है तो पेपर में आप बराबर रहोगे, आपका पढ़ाई हुआ आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना, वहीं से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचो इजी है, टफ है, मॉडरेट है। पेपर कैसा भी हो, आपको पॉजिटिव अटैम्प्ट करने, यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर आप किसी के देख कर अटैम्प्ट बनाओगे कि यार उसने 72 बना लिए, मैं भी एग्जाम में 72 तो बना के आऊँगा, ये गलती मत करना, क्योंकि आगे वेरिएशंस होंगे। और अगर सिर्फ बहुत टफ आएगी तो उतने ही बनाओ जो आपको पॉजिटिव मार्क्स लाएं। आपको तुक्केबाजी कर कर नंबर ऑफ अटेम्प्ट मत बढ़ाना, बाकी अपना बेस्ट जरूर देना। कहीं से कोई क्वेश्चन निकल रहा है कि हाँ यार अब टाइम बचा, इसको ऐसे सॉल्व कर लिया, कॉन्फिडेंट हो तो आप वहाँ पर उसको जरूर मार्क करो, बस तुक्के मत लगाना, ठीक है। तुक्के लगाने से पेपर से आप बाहर हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। और जो जनरल अवेयरनेस है वो लोग आप लोग पढ़ रहे होगे, और अप्रैल से आप स्टार्ट करो। हर एक मंथ के जो 500 MCQs हैं वो करंट अफेयर्स फंडा के जो PDF हैं वो आप ऑप्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, और अभी ऑफर चल रहा है, ₹230 में केवल आपको पूरे एनुअल मेंबरशिप मिल जाएगी। और आपने यूट्यूब पर बहुत देखे होंगे, और हमने हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो भी डिस्कस कराया था, RRB PO में, IBPS RRB क्लेरिकल में, IBPS क्लेरिकल में। तो पेपर में क्वेश्चन सब कुछ आया था, जो डिटेल्ड हमारी PDF है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप उनको अच्छे से कर जाएं और अपनी बेहतर तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस।